अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करनी है घर के टेम्परेचर के बारे में, यानी घर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, हीट हीट बोलते हैं टेम्परेचर वाले, वो टेम्परेचर नहीं झगड़े वाला टेम्परेचर, माने घर के अंदर के हीट, यानी घर के अंदर का जो गर्मी बोलते हैं, ठंडी बोलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो घर के, अब हम जो ज़मीन जहाँ हम रहते हैं, उस ज़मीन में चार सिमत हैं, जैसा पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार दिशाएं हैं। तो चार दिशाओं में हमारा घर किस तरह, हमारे घर के जो दरवाजे का जो इंट्रेस है, जो कि दरवाजे का, खिड़कियों का, जिस साइड में उस खुलती हैं, उसके हिसाब से घर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब समझो दोस्तों, अभी ये हमारा घर समझो पूरब की तरफ है, जिस घर घर के दरवाजे खिड़कियाँ पूरब की तरफ है, जी पूरब यानी जिस तरह से, जिस साइड से सूरज निकलता है उस तरफ मुंह कर कर जिसका घर है, उस घर के अंदर टेम्परेचर मीडियम रहता है। मीडियम 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 यानी कैसा, कि टेम्परेचर ज़्यादा गर्म में नहीं रहेगा और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहेगा, मीडियम अच्छा टेम्परेचर रहेगा। उस घर के लोग जो उस ऐसे घर में जो लोग रहते हैं पूरब की तरफ मुँह के घर में, तो घर के लोग तंदुरुस्त रहते हैं, ज़्यादातर बीमार नहीं पड़ते। क्यों, उसकी वजह क्या है कि उस घर में सुबह सुबह की जो धूप है, जो विटामिन ए बी सी डी जो मिलती है सुबह सुबह की धूप में, वो धूप घर के अंदर आती है दरवाजे खिड़कियों से, इसलिए एक अच्छी एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी घर में आ जाती है, तो घर का टेम्परेचर भी अच्छा रहता है और एनर्जी भी अच्छी रहती है। और समझो जिस घर का उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ जिस घर घर का मुँह होता है, उस घर का टेम्परेचर एकदम ठंडा रहेगा, हमेशा हमेशा ठंडा रहेगा। क्यों, कि उस घर पे ना पूरब से धूप आएंगे, ना पश्चिम से धूप आएंगे, ना दक्षिण से धूप आएंगे, क्यों, सारे दरवाजे खिड़कियाँ उत्तर की तरफ होंगे। उत्तर की तरफ रहने की वजह से धूप नहीं पड़ेगी घर के ऊपर, दरवाजे में धूप नहीं आएंगी, खिड़कियों में से अंदर धूप नहीं आएंगी, यानी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। मगर उस घर में जो लोग रहते हैं, वो घर में लोग रहने को ज़रा ठंडी वाली शिकायत रहेंगे, समझो सर्दी जुकाम वगैरह ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्यों, टेम्परेचर की वजह से। और जिन लोगों का घर पश्चिम की तरफ हो, जिधर सूरज गुरूब होता है, मगरिब बोलते हैं उसको, पश्चिम की तरफ जिस लोगों के घर के दरवाजे खिड़कियां होती हैं, उस घर का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता, टेम्परेचर हाई होता है यानी मीडियम से थोड़ा हाई। तो उस घर में, उस दरवाजे खिड़कियों का जिसका घर है, उस घर में जो लोग रहते हैं, उस घर में थोड़ी गर्मी की शिकायत होती है, थोड़ा हीट रहती है। क्यों, कि दोपहर में 3-4 बजे के बाद सारे धूप का टेम्परेचर, सारी धूप की हीट, सारे सूरज की गर्मी उस घर के दरवाजे खिड़कियों से अंदर आ जाती और घर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता। तो उस घर वालों के लिए सेफली बाजू क्या है, कि वो अपने घर के समझो बरामदे में बड़ी बड़े दरख्त लगाए, आम के, बादाम के, इसके उसके बेल बूटे के झाड़ दरख्त लगाए, इसकी वजह से क्या है घर का टेम्परेचर कंट्रोल होता। और दोस्तों जिस घर का मुंह जो है दक्षिण की तरफ होता, दक्षिण, तो उस दक्षिण दिशा की तरफ जिसका घर होता, उस घर में टेम्परेचर हमेशा गर्म रहेगा, क्यों, जब सूरज निकलता और सूरज जब डूबता तब तक 2400 घंटे उस घर के ऊपर सूरज का मुंह उसकी तरफ रहता, पूरी धूप उस घर पर पड़ती, इसकी वजह से घर में हमेशा पूरी गर्मी रहेंगी, शिद्दत से गर्मी रहेंगी घर के अंदर, और उस घर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को गर्मी की शिकायत भी रहेंगी, उनको हीट के प्रॉब्लम्स रहेंगे, और स्किन में उनकी थोड़ी कैसे फोड़े फुंसियाँ बोलो, कुछ इन्फेक्शंस बोलो, और पसीने की वजह से होने वाली कुछ बीमारियाँ बोलो, ये बीमारियों में वो लोग हमेशा घिरे हुए रहेंगे। तो ये घर के किस दिशा में बोलो, किस सिमत अपना घर है, इसके हिसाब से घर के अंदर के लोगों के सेहत, उनका मिजाज, उस घर का माहौल, उस घर में होने वाली बीमारियां अलग-अलग होंगी दोस्तों। तो आप कभी समझना चाहेंगे तो अपना खुद का घर किस सिमत है, किस दिशा में है, ये स्टडी करो, इसके ऊपर से सोचो कि घर में क्या प्रॉब्लम्स है, किसी रिश्तेदार का घर किस सिमत है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, या कि और किसी दोस्त का बोलो, किसी फ्रेंड्स का बोलो, आप जिसके भी घर में जाते हैं तो
एक नॉर्मली स्टडी करने का, भाई इसके घर सूरज निकलता उधर है इसके घर का मुंह, या सूरज जब डूबता है उधर है, या फिर उत्तर दक्षिण है, इस हिसाब से देखने का उस घर को। और देखने के बाद खुद स्टडी करने का कि इस घर का जो घर के अंदर जो किस सिमत का घर है, और उस सिमत के घर के हिसाब से उस घर में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारियां हैं। तो इस बीमारियों का आप डीप में स्टडी करेंगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा कि भाई ये इस टेम्परेचर के घर की वजह से इस घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चों में बोलो, बूढ़ों में बोलो, जवानों में बोलो। फिर इस प्रॉब्लम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं कि भाई इसके वजह से ये प्रॉब्लम है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। कुछ लोग कुछ क्या बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं, मगर ये बात हकीकत है कि घर की सिमत जिस तरफ मुंह कर करे, उस हिसाब से धूप की जो रोशनी उस घर पर आती, वो रोशनी के हिसाब से घर में सेहत ही सेहत का जो माहौल है बदलते रहता है। सेहत के माहौल के हिसाब से इंसान का दिमागी बैलेंस भी चेंज रहेगा ना। जो इंसान गर्मी में चिड़चिड़ा रहा है, तो इंसान चिड़चिड़ा रहेगा तो उसको थोड़ा टेंशन रहेगा, और उसको कोई बात करेंगे तो ज़रा वो चिड़चिड़े स्वभाव से ज़रा चिड़चिड़ा ही जवाब देगा। तो कैसे घर का माहौल कूल रहना है, तो भाई घर के आसपास झाड़ी होनी चाहिए, घर के अपनी जो सिमत है, जो दिशा बोलते हैं उसको किस तरफ हो, इसके ऊपर हमारे गौर फिक्र होनी चाहिए। जब आप जगह ले रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उसकी खिड़कियाँ किधर हो, दरवाजे किधर हो, उसमें धूप किधर से आएंगी, कितनी टेम्परेचर की धूप आएंगी, सुबह की धूप का टेम्परेचर अलग रहता, दोपहर की धूप का टेम्परेचर अलग रहता। तो इस हिसाब से आप स्टडी करेंगे तो आपके बहुत फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर से कितना फ़र्क पड़ता अपने घर के माहौल पर। सूरज जो है पूरे दुनिया के ऊपर सूरज का इफेक्ट पड़ता, सूरज की गर्मी का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता, किस पर अच्छा पड़ता और किस पर बुरा पड़ता। तो इस हिसाब से हमारे घर के ऊपर भी ना उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसकी धूप के टेम्परेचर का। ये कोई ये नहीं है अध्यात्म वगैरह, एक जनरली एक बात है कि भाई टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से जो प्रॉब्लम होता अपने घरों पे, इसके ऊपर से स्टडी है साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। दोस्तों, आपको जिस इस वीडियो से मैंने जो समझाया है, जो कुछ जानकारी दी है, आप इस पे गौर फिक्र करें दोस्तों, तो आपको इससे बहुत से नॉलेज, बहुत से स्टडी, बहुत से ऐसे अचंभे वाली बातें आपके समझ में आ जाएंगी, और तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें, लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं भी।